कैसे पावे जे नित्य उठ कृष्ण कृपा मृत पाठ करे मन लाए भक्ति ज्ञान वैराग्य संग कृष्ण कृपा मिल जा आसा कृष्ण कृपा की राख योनि कटे चौरासी लाख कृष्ण कृपा जीवन का सार करे तुरत भव सागर पार कृष्ण कृपा जीवन का मूल मिले सदा भक्ति के फूल कृष्ण कृपा के बलि बलि जाऊं कृष्ण कृपा में सब सुख पाऊं कृष्ण कृपा सचित आनंद प्रेम भक्ति की मिले सुगंध कृष्ण कृपा बिन शांति न पावे जीवन धन्य कृपा मिल जाए सिमरो कृपा कृपा ही ध्याओ गाए गाए श्री कृष्ण रे जाओ असमय हो भी नहीं कोई हानि कृष्ण कृपा जो पावे प्राणी वाणी का संयम बने जग अपना हो जाए तीन काल चौदशी में कृष्ण ही कृष्ण लखाए कृष्ण कृपा का कर गुण गान कृष्ण कृपा है सबसे महान सोवत जागत बिसरे नाही कृष्ण कृपा राखो उर माही कृष्ण कृपा मिटे भव भीत कृष्ण कृपा से मन को जीत आपद दूर दूर ते भागे कृष्ण कृपा के नित जो जागे सोवे कृष्ण कृपा ही कह कर आनंद मोदी ही भर कर खोटे स्वप्न तहां को नाही कृष्ण कृपा रक्षक निशमाई खावे कृष्ण कृपा मुख बोल कृष्ण कृपा के जग में डोल कृष्ण कृपा के पीवे पानी परम सुधा सम होवे वाणी कृष्ण कृपा को चाह कर भजन करो निष्काम प्रेम मिले आनंद मिले होवे पूरण का कृष्ण कृपा सब काम समारे चिंताओं का भार उतारे ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार कृष्ण कृपा से हो निस्तार कृष्ण कृपा शशि किरण समान शीतल हो बुद्धि मन प्राण कोटि जन्म की प्यास बुझावे कृष्ण कृपा की बूंद जो पावे कृष्ण कृपा की लो पतवार जग हो जाओ बहु से पार कृष्ण कृपा के रहो सहारे जीवन नैया लगे किनारे कृष्ण कृपा मेरे मन भावे कृष्ण कृपा सुख सम्मति लावे कृष्ण कृपा की देखी रीत बड़े नित्य काला संग प्रीत कृष्ण कृपा के आसरे भक्त रहे जो को वृद्धि होए धन धान की घर में मंगल हो कृष्ण कृपा जग मंगल करने कृष्ण कृपा के पावन धरने तीन लोक में करे प्रकाश कृष्ण कृपा करे उषा कृष्ण कृपा जग पावन गंगा कोटि पाप करती शरण गंगा कृष्ण कृपा अमृत की धार जीवत परमानंद अपार कृष्ण कृपा की रंगत प्यारी चढ़े प्रेम आनंद कुमारी उतरे नहीं उतारे कोई कृष्ण कृपा संग गहरी होए मीरा गणिका सदन कसाई कृष्ण कृपा की मुक्ति पाई व्याध अजामिल गीत अजान कृष्ण कृपा के भय महा भ्रम
अनंत जीव को चाहिए कृष्ण कृपा को पाए। निश्चित हो जीवन सुखी सब संशय मिट जाए। कृष्ण कृपा अविचल सुख धाम, कैसा मधुर मनोहर नाम। श्यामा श्याम निरंतर गावे, कृष्ण कृपा से जही मिल जावे। ध्यावे कृष्ण कृपा लो लाए, सुरते दशमी द्वार चढ़ जाए। दीखे श्वेत श्याम प्रकाश, पूरण होए जीव की आ। नाश होए अज्ञान अंधेरा, कृष्ण कृपा का होए सवेरा। तेरा जन्म मरण का छूटे, कृष्ण कृपा का आनंद लूटे। कृष्ण कृपा ही है दुख भंजन, कृष्ण कृपा का के भव बंधन। कृष्ण कृपा सब साधन का फल, कृष्ण कृपा है निर्बल का बल। तीन लोक तिहु काल में वैरी रहे न कोई, कृष्ण कृपा ही धार के कृष्ण भरोसे हो। कृष्ण कृपा ते मिटे दुरासा, राखो कृष्ण कृपा की आशा। कृष्ण कृपा ते रोग न सावे, दुख दारिद्र कभी पास न आवे। कृष्ण कृपा मिटे अज्ञान, आत्म स्वरूप होवे भार। कृष्ण कृपा ते भक्ति पावे, मुक्ति सदा दास बन जावे। कृष्ण नाम है जीवन हार, कृष्ण कृपा से हो भव पार। कृष्ण कृपा ही नैया तेरी, पार लगे पल में भव बेरी। कृष्ण कृपा ही सच्चा मीत, कृष्ण कृपा के ले जग जीत। मात पिता गुरु बंधु जान, कृष्ण कृपा के दाता मान। काल आए पर मीत ना सुत दारा अरुमीत, सदा सहाय श्री कृष्ण कृपा मंत्र है परम पवित्र। कृष्ण कृपा बरसी घनवारी, भक्ति प्रेम की सरसी क्यारी। कृष्ण कृपा सब दुख न सावन, होवे तन मन जीवन पावन। कृष्ण कृपा आत्म की भूख, सेवा से न जावे सूख। कृष्ण कृपा ते चिंता नाही, कृष्ण कृपाई सच्चा साई। कृष्ण कृपा दे सत विश्राम, बोलो कृष्ण कृपा निशिया। कृष्ण कृपा बिन जीवन व्यर्थ, कृष्ण कृपा दे मिटे अनर्थ। होए अनर्थ ना जीव का कृष्ण कृपा जो पास। राखो हर पल हृदय में श्री कृष्ण कृपा की आस। राखो हर पल हृदय में श्री कृष्ण कृपा की आस। कृष्ण कृपा करो कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो कृष्ण कृपा करो। राधे कृपा करो राधे कृपा करो, राधे कृपा करो राधे कृपा करो। श्री सद्गुरु कृपा करो सद्गुरु कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो सद्गुरु कृपा करो। मुपे कृपा करो मुपे कृपा करो, मुपे कृपा करो सबे कृपा करो। कृष्ण कृपा करो कृष्ण कृपा करो, श्री राधे कृपा करो राधे कृपा करो।
श्री सदगुरु कृपा करो, सदगुरु कृपा करो, मोपे कृपा करो, मोपे कृपा करो, सबे कृपा करो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। इससे पूर्व की हम आज द्वितीय दिवस के गीता सत्संग में पूज्य महाराज जी का द्वारा आशीर्वाद ले हमारे कृष्ण कृपा परिवार से ही दिल्ली से आए भैया उन तक गोयल जी महाराज जी के चरणों में 3-4 मिनट के लिए अपना भाव पुष्प रखेंगे। जय गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गीता ज्ञान संस्थानम के पवित्र प्रांगण में आप सभी गीता ज्ञान पिपासुओं कृष्ण भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य कि भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश को प्राप्त करने का हम सबको यह सुअवसर मिला है। व्यासपीठ पर सुशोभित परम पूज्य गीता मनीषी गुरुदेव महाराज जी के परम सानिध्य में संतों के संग गीता अमृत वर्षा, यह संयोग अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय है। श्री कृष्ण कृपा परिवार के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय गीता सत्संग के दूसरे सत्र का शुभारंभ, मेरा निवेदन दीप प्रज्वलन के लिए श्री पंकज गोयल जी जो MD हैं 521 राइस मिल तरावड़ी से, कि आप आएं और आज के इस शुभ कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर आरंभ करें। समिति की ओर से मेरा निवेदन श्री मदन मोहन छाबड़ा जी से, श्री जय भगवान शर्मा जी DD आपसे भी निवेदन कि आप भी दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आएं। श्री मोहन गोयल जी दिल्ली से, UK से श्री गौरव अत्रेजा जी आपसे भी निवेदन कि आप मंच पर आकर दीप प्रज्वलन करें। समिति की तरफ से श्री मदन मोहन छाबड़ा जी इनके साथ रहेंगे। ओम हरे ओम मा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर। परम पूज्य शाश्वानंद जी महाराज गिरी जी से निवेदन कि वो भी द्वीप प्रज्वलन में साथ दें। क्षमा चाहता हूं स्वामी शाश्वानंद गिरी जी महाराज। हरे ओम मा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। हरि ओम। मेरा निवेदन द्वीप प्रज्वलन के लिए आए हुए अतिथियों से कि वो महाराज श्री से आशीर्वाद स्वरूप स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। श्री पंकज गोयल जी MD ओम तरावड़ी से। ओम धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र समभेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजया अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतर्ध्रुवाणि तर्मतर्म अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री गीता पूजन के लिए मेरा निवेदन श्री गुरनाम सैनी जी से, प्रधान सैनी सभा कुरुक्षेत्र। श्री राजकुमार गोयल जी निसिंह से,
डॉक्टर सुबह सिंह जी, आप सभी गीता पूजन के लिए कृपया मंच पर आए। समिति की ओर से श्री हंसराज सिंगला जी से मेरा निवेदन कि वो आए हुए गणमान्य अतिथियों के साथ रहें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरवर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम ओखदी प्रतिमोदत्वं पुक्पवती प्रसुवरी असवा इव सत्वरिभिरुदः पाणिष्मः। ओम भ्रवस्व प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मेरा निवेदन श्री ब्रज गुप्ता जी से, श्री दयानंद बेनीवाल जी से, श्री अशोक चावला जी से कि वो कुरुक्षेत्र से आए अखंड गीतापीठ परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वानंद गिरी जी महाराज का माल्या अर्पण कर यहाँ पहुँचने पर स्वागत और अभिनंदन करें। श्री ब्रज गुप्ता जी, श्री दयानंद बेनीवाल जी, श्री अशोक चावला जी माल्या अर्पण कर महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वानंद गिरी जी महाराज का स्वागत करें, अभिनंदन करें। व्यासपीठ पर सुशोभित परम पूज्य गीता मनीषी गुरुदेव जी महाराज के माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं शाहबाद से आए हुए प्रोफेसर हरपाल सैनी जी से, शाहबाद से ही श्री रविकांत गोयल जी, श्री धर्मपाल शर्मा जी और श्री हिमालय जी कि आप आए और व्यासपीठ पर सुशोभित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी गुरुदेव जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें, आशीर्वाद लें। आज के इस सत्र का आगाज मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच राष्ट्र स्तर के कवि श्री राधाकांत जी कि वो आएं और हम सबके समक्ष अपना कविता पाठ रखें। श्री राधाकांत जी। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत करते हुए अपने आराध्य को प्रणाम करता हूं। विशेष मंच, आध्यात्मिक विभूति और आप सबकी उपस्थिति को भी सादर दंडवत करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में एक भार के रूप में आपके बीच हूँ, लेकिन मुझे अपनी मर्यादा भी पता है और इस कार्यक्रम की गरिमा भी पता है। हम सब गीता रूपी अमृत का पान करने के लिए पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से लालायित हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी विश्वरूपी वाणी से आपका समय नहीं नष्ट करूँगा,
केवल चार पंक्तियां, क्योंकि गुरु का आदेश हुआ है, उनके आदेश की अवहेलना करना भी एक पाप होता, इसलिए मैं आपके बीच उपस्थित हूं और केवल एक छंद निवेदित करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। कि ज्ञान चक्षुओं के बंद थे कपाट खोल दिए। आप सब अपने इष्ट अपने गुरु को याद करिएगा और ये मेरी पंक्तियां सुनिएगा, मैं निवेदित करता हूं। कि ज्ञान चक्षुओं के बंद थे कपाट खोल दिए, दूर मन के विकार भी तमाम हो गए, चित्त में भी आपका ही चित्र दिखने लगा है, मेरे आठो याम आपके ही नाम हो गए, जीवन का लक्ष्य भी पता नहीं था सतगुरु, आपसे जुड़ा तो लगा सारे काम हो गए, जीवन का लक्ष्य भी पता नहीं था सतगुरु, आपसे जुड़ा तो लगा सारे काम हो गए, चरणों में आपके झुकाया शीश तो लगा कि एक पल में ही जैसे चारों धाम हो गए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत पुनः गुरु का आदेश शिरोधार्य करते हुए एक छंद आपके बीच और निवेदित करना चाहता हूं। कि ईर्ष्या द्वेष छल दंभ मोह शोक वाले कई, ईर्ष्या द्वेष छल दंभ मोह शोक वाले कई, जीवन में प्रश्न थे निदान लेके आए हैं, जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं अपितु लोक के निमित्त वरदान लेके आए हैं, अवसाद को मिटाने के लिए अचूक मंत्र, अवसाद को मिटाने का मिला अचूक मंत्र, आत्म चेतनात का दिव्य गान लेके आए हैं, अवसाद को मिटाने का मिला अचूक मंत्र, आत्म चेतना का दिव्य गान लेके आए हैं, युद्ध भूमि में दिया अर्जुन को आपके लिए भी गीता ज्ञान लेके आए हैं, पूज्य गुरुदेव गीता ज्ञान लेके आए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। मेरा निवेदन आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हम सबको अपना आशीर्वचन देने के लिए आए गीता पीठ परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी महाराज से कि वो अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। परमाध्यक्ष स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी महाराज। नारायण 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 नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज इस विशाल पांडाल में भगवान श्री कृष्ण की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं। अभी मैं जब यहां आया तो सबसे पहले मंदिर में भगवत विग्रह का दर्शन किया और मैंने देखा कि हमारे परम सुहृद पूज्य चरण महामंडलेश्वर श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने उस विग्रह का नामकरण कृपा विहारी किया है। वास्तव में यह सारा जगत ही भगवान की कृपा का विलास है और हम आप सभी भगवान की कृपा के ही एक तरह से जैसे रश्मियां सूर्य की किरणें निकलती हैं, प्रकाश बिंदु होते हैं, कुछ बिंदु बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और बहुत सारे बिंदुओं से
बहुत विराट प्रकाश पुंज का निर्माण होता है। ऐसे ही इस सारी सृष्टि में हम आप सभी भगवान की कृपा के ही अंश हैं, और ये आपके सामने व्यासपीठ पर जो विराजमान हैं, जिन्हें आप बहुत प्रेम करते हैं, हमारे गीता मनीषी जी महाराज, यह भी भगवान की कृपा के ही स्वरूप हैं, और भगवान ने इनको विशेष रूप से अपनी श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए ही मानो नियुक्त किया है। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि जो इस धरती पर गीता का प्रचार प्रसार करेगा वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा, और गीता के प्रचार से श्रेष्ठ कार्य कोई दूसरा धरती पर नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और हमारे गीता मनीषी जी तो अपने पुरुषार्थ से श्रीमद् भगवद गीता प्रचार प्रसार के एक वैश्विक हस्ताक्षर बन चुके हैं। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मुझे आपने यहाँ इस शुभ अवसर पर अपनी वाणी को पवित्र करने का भी अवसर दिया। मुझे कहना कुछ नहीं है, जो कुछ कहेंगे तो महाराजश्री ही कहेंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जैसे मनुष्य होना आपका परम सौभाग्य है, वैसे ही यहाँ बैठना भी आपका परम सौभाग्य है। और श्रीमद् भगवद गीता से एन केन प्रकारेण कैसे भी यदि आपका संबंध जुड़ गया है तो आप यह जान सकेंगे कि मनुष्य होने का क्या अर्थ है। और मनुष्य होने का अर्थ यदि आपने समझ लिया और मनुष्य ही हो गए तो समझ लो अपने आप सारा कल्याण आपका हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वोत्कृष्ट रचना प्रकृति की है या अंतिम रचना प्रकृति की है, वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, वो इसलिए नहीं है कि वो प्रकृति का प्रतियोगी हो सकता है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में अंततः उसकी हार होती है। लेकिन जहां उसकी जीत होती है वह एक ही क्षेत्र है, वह भक्ति का क्षेत्र है, जहां भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि तू मेरी कृपा की महिमा को समझ ले और मेरा भक्त हो जाए तो फिर मैं भी तेरा भक्त हो जाऊंगा, और भगवान प्रसन्नता पूर्वक आपको स्वीकार करके आपको अपना ही, यदि वैष्णव दृष्टि से कहें तो सामीप्य मुक्ति देंगे, अपने पास बुला लेंगे, सालोक्य मुक्ति देंगे, अपने लोक में जगह देंगे, सायुज्य मुक्ति देंगे, अपने से जोड़ लेंगे, या सारूप्य मुक्ति देंगे, अपना ही स्वरूप प्रदान कर देंगे। और यदि अद्वैत वेदांत की दृष्टि से कहें तो जो वह हैं वही आप हैं, इस ब्राह्मी वृत्ति में आपको प्रतिष्ठित कर देंगे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप विमुह्यति स्थित्वा शामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यह ब्रह्म निर्वाण मनुष्य प्राप्त कर सके, यही उसके मनुष्य होने की उपयोगिता है, और यही गीता की और भगवान की कृपा है, जिसका द्वार गुरु कृपा से ही खुलता है। और आप यदि गुरु दरबार में आ गए हैं तो आपकी पात्रता है कि आपके जीवन का द्वार खुले और आप उस आनंद में, उस ब्राह्मी स्थिति का आनंद लेने की स्थिति में जा सकें और अपने आप को धन्य कर सकें। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। एक बार पुनः मैं आप सबका आभारी हूं कि मुझे इस पवित्र मंच में वाणी पवित्र करने का अवसर दिया। आप सबका धन्यवाद। आप सब भगवान की कृपा प्राप्त करें, यही भावना मेरी, यही आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति। गीता जीवन का गीत बने, जन जन का संगीत बने,
गीता चिंतन का विषय हो, गीता मानव मात्र के संताप हर ले, गीता वैश्विक गीत बने, इसी लक्ष्य को लेकर महाराज श्री तत्पर हैं। और मेरा निवेदन गुरुचरणों में कि वो हम सबको इस परम सौभाग्य का एहसास करवाते हुए अपने श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की वाणी आशीर्वचन रूप में देकर हम सबको लाभान्वित करें। पूज्य श्री गुरुदेव। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन सें व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृत वर्षिणी भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्बत्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृद्दुहे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गीता सत्संग का आज दूसरा दिवस। आज के इस दिवस में दीप प्रज्वलन के साथ हमें पावन आशीर्वाद मिला। प्रारंभ में हमारे परम पूज्य अखंड गीता पीठ के परमाध्यक्ष और स्वयं में श्रीमद् भगवद गीता के बहुत समर्पित चिंतक विचारक और भगवद गीता के साथ साथ श्रीमद् भागवत और अपने अन्य जो भारतीय मनीषा के ग्रंथ हैं उनके पारंगत संत पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरिजी महाराज का प्रारंभिक आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात और उनके सहज आगमन पर हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए ये पुस्तिका आपके हाथ में है। प्रथम पेज पर पेज खोलते ही जो पृष्ठ है गीता पढ़ें अच्छा है, पढ़ाएं अच्छा है, सुने अच्छा है, सुनाएं अच्छा है, गीता के गीत गाएं ये भी निस्संदेह अच्छा है, लेकिन जीवन गीता गीत बन जाए या गीता जीवन गीत बन जाए और ये जीवन गीतामय हो जाए, आइए इस प्रार्थना के साथ हम गुनगुनाएं, प्रार्थना करें आराध्य प्रभु से। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी
गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। अहंकार मोह फल इच्छा रहित हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित, हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। कर्म धर्म बने कर्म योग बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। कर्म धर्म बने कर्म योग बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। ये प्रार्थना वस्तुतः गीता में जीवन हो जाए उसी के आगे एक भाव प्रेरणा है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, शरीर की सक्रियता के लिए, सजगता के लिए और कर्मों के यथार्थ स्वरूप के लिए गीता का कर्म योग और आगे भक्ति योग की बात। तन से हो भले व्यवहार सभी, मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन उलझे ना कहीं इनमें कभी, मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। तन से हो भले व्यवहार सभी, मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन उलझे ना कहीं इनमें कभी, मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन प्रभु में लगे प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। प्रभु में लगे प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए।
गीता ज्ञान है अमृत रस की खान, अनुभव करता कोई भाग्यवान, अनुभव करता कोई भाग्यवान, अनुभव करता कोई भाग्यवान। गीता ज्ञान है अमृत रस की खान, अनुभव करता कोई भाग्यवान, अनुभव करता कोई भाग्यवान, अनुभव करता कोई भाग्यवान। सत सत शुभ शुभ की कर पहचान, सबसे अपनापन हो जाए, सत सत शुभ शुभ की कर पहचान, प्रभु से अपनापन हो जाए, प्रभु से अपनापन हो जाए, आनंद मग्न मन हो जाए, प्रभु से अपनापन हो जाए, आनंद मग्न मन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए, श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। जियो गीता की है पुकार यही, शांति सद्भाव का सार यही, शांति सद्भाव का सार यही, शांति सद्भाव का सार यही। जियो गीता की है पुकार यही, शांति सद्भाव का सार यही, शांति सद्भाव का सार यही, शांति सद्भाव का सार यही। गीता तन मन गीता जीवन, गीता तन मन गीता जीवन, गीता में कण कण हो जाए, गीता तन मन गीता जीवन, गीता में कण कण हो जाए, 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 गीता में कण कण हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए, श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। करम भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में, तन मन बुद्धि पावन हो जाए, करम भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में, तन मन बुद्धि पावन हो जाए, तन मन बुद्धि पावन हो जाए, तन मन बुद्धि पावन हो जाए, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए, आनंद मग्न मन हो जाए, आनंद मग्न मन हो जाए, गीता में जीवन हो जाए, गीता में जीवन हो जाए, गीता में कण कण हो जाए, गीता में कण कण हो जाए।
चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन। श्रीमद् भगवद गीता के इस पावन उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को नमन। और स्मरण करते हुए उस अवसर का जब 5160 वर्ष पूर्व इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके समूची मानवता के लिए, जन जन के लिए, कण कण के लिए, प्राणी मात्र के लिए गीता का दिव्य संदेश दिया। उस अवसर का स्मरण करते हुए कल के भाव की ओर के साथ आगे बढ़ते हैं, जो एक प्रारंभिक भूमिका के रूप में कुरुक्षेत्र की महिमा, कुरुक्षेत्र में ही युद्ध क्यों, कुरुक्षेत्र में ही गीता उपदेश क्यों, और गीता उपदेश के लिए युद्ध का वातावरण ही क्यों। आश्चर्य तो लगता ही है, विश्व भर के चिंतक विचारक आज भी आश्चर्यचकित होते हैं कि गीता जैसा दिव्य ज्ञान, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान युद्ध की भूमि में, युद्ध की धरा में, अशांत वातावरण में से निकला शांति का संदेश अपने आप में कुछ आश्चर्य सा भी, और बहुत विचारकों को लगता है कि कुछ विरोधाभासी सी बात है, कंट्राडिक्टरी सी स्थिति है। अशांति के वातावरण में शांति के का उद्घोष, दुर्भावनाओं और कलह क्लेश के वातावरण में से सद्भावना का उद्घोष, सद्भावना का संदेश निश्चित आश्चर्यचकित करने वाला लगता है। लेकिन सत्य यह है कि भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण की दूरदर्शिता, वो जानते थे, त्रिकालज्ञ तो थे ही, वेदाहम समतीतान वर्तमानान चार्जन भविष्याण च भूतान माम तु वेद न कश्चन। गीता के सप्तम अध्याय में ये सीधा उद्घोष, स्पष्ट उद्घोष करने वाले कृष्ण कि पार्थ, अतीत में जो कुछ हो चुका है और वर्तमान में जहां जो हो रहा है, और यही नहीं पार्थ, भविष्याण च भूतानि, भविष्य में भी कहीं भी प्राणियों के साथ जो होना है वो सब भी पार्थ मेरी दृष्टि से ओझल नहीं है, मैं सब जानता हूं पार्थ। जानते थे भगवान कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, जानते थे वे कि इस समय जो एक अर्जुन की समस्या है, और कल हम इसी विचार पर आकर के कल के सत्र को विश्राम लिया गया था कि अर्जुन का रथ प्रवेश करता है महाभारत की युद्ध भूमि में, अर्जुन के निर्देशानुसार सेन्योर भ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो कृष्ण, सारथी हैं, घोड़ों की लगाम हाथ में है। और अपने आप में एक आश्चर्यजनक स्थिति कि त्रैलोक्य के लगाम थामने वाले अर्जुन के रथ के घोड़ों के लगाम थामे हुए यहां रथ हांक रहे हैं, अर्जुन के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं,
अर्जुन कहता है रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। 48 कोस का क्षेत्र था, अपार सेनाएं थी, इधर 7 अक्षौणी और उधर 11 अक्षौणी, कहीं भी ले जा सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण रथ को लेकर के गए। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम्। भगवान कृष्ण की भगवद गीता के साथ जुड़ी दूरदर्शिताओं की झलक आप पग पग पर देखेंगे और आपको लगेगा कि कृष्ण तत्व कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। मधुसूदन सरस्वती जी ने जो कहा कि श्री कृष्ण से बढ़कर या आगे कोई और तत्व है मैं नहीं जानता, प्रकांड विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती, वेदांत के वेद वेदांगों के, लेकिन जब कृष्ण भाव में आए तो कहने लगे इससे आगे कोई तत्व और है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। और वो गीता में भगवान अब पाएंगे बार बार एक शब्द कहेंगे, यो माम वेत्ति तत्त्वतः, अर्जुन जो मुझे तत्व से जान लेता है, कई बार ऐसा शब्द आप पाएंगे। भगवान तत्व से जानने की बात कहते हैं, केवल ऊपरी धरातल पर नहीं। कल एक संकेत किया गया था कि पानी की ऊपर की तह पर भी डुबकी लगती है, लेकिन जब कोई गोताखोर एक लक्ष्य लेकर के पूरी तन्मयता के साथ गहरी डुबकी लगाता है तो मोती ढूंढ ही लाता है। श्री कृष्ण तत्व जब कोई चिंतन के साथ विचार के साथ गहराई में उतरता है तो लगता है कि ये कृष्ण केवल माखन चुरैया नहीं है, ये कृष्ण केवल चीर चुरैया नहीं है, ये कृष्ण केवल रास रचैया भी नहीं है, ये कृष्ण केवल गौएं चरैया भी नहीं है, ये कृष्ण केवल ब्रज वसैया भी नहीं है। ये सब भगवान कृष्ण की के लीला स्वरूप हैं, अवतार धारण करके आए हैं, उनकी अलग अलग लीलाएं हैं, लीला रूप हैं ये सब, लेकिन श्री कृष्ण का तत्व जो है बहुत गहन है, बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक भी और बहुत गहन भी। कभी कभी कोई कोई एक प्रश्न करते हैं कि श्याम वर्ण तो कहीं स्वाभाविक स्थिति नहीं है, कहीं श्वेत वर्ण होगा, कहीं कोई गेहूं जैसा, अलग अलग होते हैं, लेकिन ये भगवान का ये अलग सा ये रंग कैसा होता है, ये श्याम वर्ण? भगवान राम देखें, भगवान कृष्ण देखें, भगवान शिव देखें, ये अलग सा रूप क्यों होता है श्याम वर्ण? वस्तुतः जो व्यापक होता है आकाश का कोई रंग नहीं है, लेकिन आकाश अत्यंत व्यापक है, और इसीलिए आप देखेंगे आकाश की ओर तो आकाश आपको कुछ कुछ वैसा ही वर्ण का दिखाई देगा जैसा बिल्कुल श्याम वर्ण, नील वर्ण, नील सरोवर हो नील वर्ण श्याम। रामचरितमानस में स्तुति भगवान की गई श्याम वर्ण, और या फिर जो व्यापक तत्व होता है वहां भी आपको श्यामता दिखेगी, और जो गहराई का तत्व होता है, गहरा समुद्र के जल को जब आप किसी पात्र में निकाल लोगे तब वो वैसा नीला और श्यामल सा नहीं दिखेगा, लेकिन समुद्र की ओर जब आप देखेंगे तो वहां आपको श्यामलता दिखेगी, वहां आपको एक अलग सा स्वरूप दिखेगा। क्यों? कि जो गहरा है वो भी श्यामल है, जो व्यापक है वो भी श्यामल है, और भगवत तत्व जो है उसकी गहराई तो
समुद्र की गहराई मापी नहीं जा सकती। बहुतों ने प्रयास किए लेकिन वो प्रयास केवल प्रयास रह गए। लेकिन हो सकता है कभी कोई समुद्र की गहराई को माप भी ले, हो सकता है कभी कोई आकाश की व्यापकता को समझ भी ले, लेकिन ये भगवत तत्व कितना गहन है, ये भगवत तत्व कितना व्यापक है, इसकी गहराई को, इसकी व्यापकता को पूरी तरह से उसकी थाह पा सकना वो संभव नहीं था, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है कि भगवत तत्व की गहराई को पा सके। श्याम तत्व, कृष्ण तत्व बहुत गहरा है, बहुत गहरा। एक दो मिनट के लिए भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं। हमारे आनंद अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज यहां मंच पर उपस्थित हुए हैं, केवल एक दो मिनट के भगवान नाम के साथ स्वागत अभिनंदन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 कृष्ण नाम ही सच्चा सहारा है, 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 कृष्ण नाम ही खेवन हारा है, कृष्ण नाम ही खेवन हारा है, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण बंसी बजैया कृष्ण रास रचैया, 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 कृष्ण रास रचैया कृष्ण गौए चरैया, कृष्ण रास रचैया कृष्ण गौए चरैया, कृष्ण गौए चरैया कृष्ण गीता गवैया, कृष्ण गौए चरैया कृष्ण गीता गवैया, कृष्ण गीता गवैया भजो कृष्ण कन्हैया, कृष्ण गीता गवैया भजो कृष्ण कन्हैया, भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। संकेत चल रहा था कि श्री कृष्ण तत्व तो अपने आप में बहुत गहन भी है और बहुत व्यापक भी है। कृष्ण का तत्व रूप क्या है उसके लिए भगवद गीता के तत्व को समझना होगा, और अब प्रारंभ से देखेंगे लगेगा आपको कि कृष्ण तत्व कहां कहां कैसे कैसे कैसी कैसी दूरदर्शिताएं, लेकिन साथ साथ कैसी कैसी सरल सुबोध प्रेरणाएं भी देता है। रथ को कहीं भी ले जा सकते थे, अर्जुन ने तो यही कहा था ना कि कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, लेकिन भगवान जानते थे कि महाभारत युद्ध के पश्चात अवतार काल का और लीलाएं संवरण का समय कम होता चला जाएगा। लीलाएं बहुत कर ली बहुत कर ली, लेकिन भगवान कृष्ण को लगा कि अब समय है विश्व के समक्ष कोई एक ऐसी अनूठी अद्भुत लीला जो युग युगांत की प्रेरणा बन जाए। और कई बार ये बात कही जाती है कि भगवान कृष्ण की हर लीला में कहीं ना कहीं गीता तत्व साथ जुड़ा हुआ है। हर लीला में आप देखेंगे तात्विक रूप में चिंतन रूप में कहीं ना कहीं गीता की प्रेरणा आपको दिखाई देगी। श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ भी गीता है, और विचार पूर्वक देखें तो भगवद गीता भी भगवान कृष्ण की एक लोकोपकारी अद्भुत अनूठी लीला है, और उसकी एक झलक देखें आप। रथ को कहीं ले जा सकते थे युद्ध करवाने के लिए, लेकिन अभी युद्ध नहीं करवाना था, अभी तो भविष्य में बनने वाले युद्ध के वातावरण में, भविष्य की अशांति अराजकता के वातावरण में, भविष्य के कलह कलेश ईर्ष्या द्वेष से भरे वातावरण में क्या कोई शांति और सद्भाव का रास्ता हो सकता है? अशांति में से भी क्या कोई शांति का समाधान निकल सकता है? भगवान कृष्ण ने इस दृष्टि से उस युद्ध के वातावरण में उद्घोष करना था शांति का, सद्भाव का, विश्व कल्याण का। और इसीलिए जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि अशांति से भरपूर वातावरण में जहां युद्ध का कोलाहल, जहां सेनाएं लड़ने मरने मारने को तैयार, जहां शस्त्रों की टंकार, हाथी घोड़ों की लगातार की चिंघाड़, और ऐसे वातावरण में शंखनाद हो रहा है
शांति और सद्भाव का, भारत की दिव्यता, जहां के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता। कुछ वर्ष पहले एक समय आया, ये सत्य घटना, ब्रिटिश सेनाओं में कुछ थोड़ी हलचल सी होने लगी। ये कुछ वर्ष पहले की बात है, क्योंकि वहां जाना होता है और वहां उन्हें भगवद गीता के कुछ श्लोक प्रेरणा के रूप में उनको पढ़ाए गए, बताए गए। मनोबल टूटे नहीं। जियो गीता ने भी जो कुछ अलग अलग ऐसे प्रयास किए, और ये केंद्र उसी उन्हीं प्रयासों के को समर्पित एक प्रयास है कि अलग अलग क्षेत्रों में भगवद गीता की व्यवहारिकता बिल्कुल सरल सुबोध ढंग से कैसे सामने आए, कैसे सबको लगे कि गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं, गीता केवल गृह त्यागियों के लिए भी नहीं है और केवल गृह त्याग के लिए भी नहीं है। गीता केवल पंडितों की पुस्तक नहीं है, गीता केवल मरण शैया पर बैठ पड़े किसी व्यक्ति को सुनाने के लिए भी नहीं, सबको लगे, हर सैनिक को लगे कि गीता मेरे लिए, मेरे मनोबल की वृद्धि के लिए कितना एक अचूक साधन है। और इसीलिए जियो गीता की ओर से कुछ जो चिंतन रूप में कुछ साहित्य सामने आया, कुछ प्रेरणाएं सामने आई, उनमें एक यह भी थी, यह भी है, सैनिकों के लिए वीर जवानों हार न मानो। और अपने यहां तो कैसे भारत भूल सकता है, या भारतवासी भूल सकते हैं कि पूरे का पूरा स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम मूवमेंट, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के मुंशी संविधान निर्माता समिति में उनकी भी एक अच्छी भूमिका रही। उन्होंने लिखा, म्यूजियम में आपने देखा होगा, अनेक महापुरुष, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के गीता प्रेरित कुछ कोट, कोई विचार लिए गए, और वहां लिखा है के एम मुंशी जी का विचार कि मुझे लगता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से यदि भगवद गीता को अलग कर दिया जाए तो स्वतंत्रता संग्राम मुझे अधूरा सा सारा लगता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ थी भगवद गीता। अनेकों सेनानियों ने मनोबल पाया गीता से। कोई जेल में बैठकर गीता लिख रहा है लोकमान्य तिलक जैसा, कोई लोग जेल में बैठकर गीता पढ़ रहा है, उदाहरण आपको बताने लगे तो कई, ये अमृत काल जो भारत की आजादी का, उसे 75 की संख्या आगे आई। उन्होंने प्रयास किया जियो गीता के भाव से कि 75 ऐसे चिंतक विचारक, और उनमें से अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी, 75 ऐसे निकाले गए अधिकतर स्वतंत्रता संग्राम के समर्पित बलिदानी सेनानी, कि गीता पर उनके क्या विचार थे, क्या भाव थे। शहीद भगत सिंह जब फांसी के बाद उनके कक्ष में से, जेल में से उनका सामान घर भेजना था, 11 वस्तुएं बताई गई, उससे सबसे आगे भगवद गीता रखी हुई थी। और ऐसा संकेत मिला, हमने देखा नहीं, हमारा मन है एक बार, अभी कुछ दिन 8-10 दिन पूर्व ही हम
निकले तो उनके गांव का एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, समय नहीं था, हमारा मन था कि एक बार हम वहां जाएं उनके गांव। हमें पता चला कि आज भी उनकी हस्ताक्षरित गीता जो जेल में थी, उनके हस्ताक्षर किए हुए वो उनके पैतृक गांव खटखट कला में, जब फगवाड़ा से चंडीगढ़ की ओर जाते हैं नवा शहर के पास गांव है वहां रखी है। राम प्रसाद बिस्मिल, उनके तो 3 दिन रह गए थे फांसी में और मुस्कुरा कर बैठे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये लिखने और ये गुनगुनाने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। 2-3 दिन फांसी को थे, प्रभात का समय, आराम से बैठे पढ़ रहे हैं गीता। किसी ने पूछा कि 2 दिन फांसी को अब क्या ढूंढ रहे हो इसमें से, और इतने शांत चित बैठे हो, आश्चर्य हो रहा है कि जिस व्यक्ति को पता हो कि 2 दिन बाद फांसी होने वाली है वो इतना शांत बैठा हो। और राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, मैंने गीता पढ़कर यही तो सीखा है, क्योंकि मैंने केवल गीता को पढ़ा नहीं, मैंने गीता को जीने का प्रयास किया है जेल में रहकर, और यही सीखा है मैंने कि मृत्यु से पहले के हर पल को कैसे मुस्कुराकर जिया जाए, मैंने गीता से ये सीखा है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, कोई फांसी के फंदे पर गीता हाथ में लेकर खिलखिला 18 वर्ष का बालक खुदीराम बोस खिलखिला रहा था फांसी के फंदे के पास खड़े होकर, और सबको दिखा रहा था भगवद गीता हाथ में थी, कहा गीता मेरे हाथ में है, गीता मेरे साथ में है, ये फांसी का फंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तो अमर चेतना हूं, मैं था भी, मैं हूं भी, और मैं रहूंगा भी। न त्वेवाहम जातुम नासम न त्वम नेमे जनाधिपः। भगवान कहते हैं, अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये सब नहीं थे, एक चेतना के रूप में मैं भी था, तू भी था, सब कहीं ना कहीं ये सृष्टि चक्र। और वो 18 वर्ष का बालक गीता पढ़कर जेल में इस रहस्य को समझता है, और फांसी के फंदे पर भी वंदे मातरम कहकर गीता हाथ में दिखाकर खिलखिलाता है। ये गीता है, गीता का तत्व। युद्ध में क्यों सुनाई गई गीता, अशांति के वातावरण में ही ये शांति का संदेश क्यों? भगवान जानते थे कि शांति की आवश्यकता अशांति में ही तो पड़ेगी, जो शांति ही है तो कहां जिज्ञासा, अशांति में ही तो पता लगता है ना कि शांति का महत्व क्या है। जब भूख लगी हो तभी तो पता लगता है ना भोजन का महत्व क्या है, जब प्यास लगी हो तभी तो पता चलता है ना कि पानी का महत्व क्या है, जब मन अशांत हो, शोकाकुल हो, व्यथित हो, विचलित हो, अस्थिर हो, तभी तो लगेगा कि शांति की कितनी महत्ता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब कहीं कुछ ऐसी स्थिति होती है, कोई ऐसी घटना, भगवान ना करे, मन बहुत व्यथित हो जाता है, अंत में बहुत व्यथित मन वाले भी कहते यही हैं कि महाराज जी अब कुछ ऐसा हो, अब मेरा मन शांत हो जाए, मेरा मन टिक जाए। क्यों? क्योंकि शांति हमारा स्वभाव है, शांति हमारा स्वरूप है, शांति हमारी मांग है। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो,
गीता इसीलिए जाति पाति के भेदभाव के बिना सबकी है, सबके लिए है। और जियो गीता का इसीलिए जो इस ढंग का आह्वान होता है कि कहीं अष्टादश श्लोकी गीता के रूप में गीता का कुछ व्यापक भाव जो 23 जुलाई को एक संकल्प हुआ यहीं इसी धर्म धरा पर कि गीता जयंती तक 125 करोड़ अष्टादश श्लोकी गीता के पाठ हो जाएं और भगवान की कृपा आप सबका स्नेह सद्भाव देश में विदेश में कि गीता जयंती से लगभग 11 दिन पूर्व ही 1,25,00,000 से अधिक की संख्या पार करके अभी हम रात भी कहीं थे शत पहवा में कुछ देर के लिए, वहां भी एक वयोवृद्ध गौ भक्त उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे मैं 25,000 पाठ कर चुका हूं, 25,000 बार अष्टादश श्लोकी पाठ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि कैसे मोबाइल में ऐप में। और ऐसे बहुत से लोग कि जो पाठ की धुन लग गई गीता पाठ की। और अभी जो गीता जयंती के लिए एक आह्वान हुआ है सब प्रभु की कृपा। पूज्य महाराज श्री शाश्वतानंद जी महाराज संकेत कर रहे थे कि भगवद गीता के लिए भगवान निमित्त कैसे बनाते हैं, किस दृष्टि से बनाते हैं। हम तो मानते हैं, कहते हैं कि योग्यता ना होते हुए भी ये सब यदि हुआ है, हो रहा है, तो इसमें कोई साधन का महत्व नहीं है, इसमें कोई अपने प्रयास का महत्व नहीं है, इसमें निश्चित और निश्चित ये संकल्प करवाने में भी और उन्हें पूरा करवाने में भी निश्चित केवल और केवल उसी की कृपा है। केवल कृपा, केवल श्री कृष्ण कृपा। और जो गीता जयंती के लिए एक आह्वान कि 11 बजे गीता उपदेश के दिन पूरे विश्व में 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, 3 श्लोक, प्रथम लगभग मध्य 9 अध्याय का 22वां और अंतिम श्लोक, इन 3 श्लोकों के साथ पूरा विश्व जुड़े, हर क्षेत्र जुड़े, हर वर्ग जुड़े। और उसका आह्वान ध्येय वाक्य हम एक बने, हम नेक बने, उसी भाव से। और सच में भगवद गीता की समरसता, समता की दिव्यता आपको अनुभव होगी, क्योंकि गीता है ही इसी के लिए। 2 मिनट गीता, जीव गीता का जो थे गीत है, प्रेरणा गीत है, कुछ पंक्तियां उसकी गुनगुना लेते हैं आगे की बात से पूर्व। समरस संस्कारित गीता में हो भरत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित गीता में हो भरत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। करुणा मुदिता सद्भाव न की बह अमृत धारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। करुणा मुदिता सद्भाव न की बह अमृत धारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। ना ऊंच नीच ना जाति पाति की दीवारें हो, ना ऊंच नीच ना जाति पाति की दीवारें हो, मानवता की मुस्कान बिखेरती बौछारें हो, मानवता की
मुस्कान बिखेरती बोछारे हो। हम एक बने हम एक बने का हो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। हम एक बने हम एक बने का हो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। परहित है तू निज हित का त्याग हम करना सीखे, परहित है तू निज हित का त्याग हम करना सीखे। संस्कार से व संयम सद्भाव के भरना सीखे, संस्कार से व संयम सद्भाव के भरना सीखे। जीवन की राह में परमेश्वर ही सच्चा सहारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। जीवन की राह में परमेश्वर ही सच्चा सहारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समता समरसता संस्कारों का सार है गीता, समता समरसता संस्कारों का सार है गीता। सुखी जीवन विश्व बंधुत्व का दृढ़ आधार है गीता, सुखी जीवन विश्व बंधुत्व का दृढ़ आधार है गीता। जियो गीता का संदेश ये भारत देश बने गीता में सारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। जियो गीता का संदेश ये भारत देश बने गीता में सारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। आओ मिल ये संदेश पहुँचाए देश विदेश में, आओ मिल ये संदेश पहुँचाए देश विदेश में। गीता ही है समाधान आज के परिवेश में, गीता ही है समाधान आज के परिवेश में। जय गीता माँ जय भारत माँ गूंजे जयकारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। जय गीता माँ जय भारत माँ गूंजे जयकारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। शांति हमारी मांग, सबकी मांग, कोई कहीं हो किस क्षेत्र में हो, शांति तो सब चाहते हैं ना, और भगवद गीता शांति का उद्घोष है, इसीलिए सबकी। ऐसा तो नहीं है कि शांति केवल हिंदू चाहते हो और कोई नहीं, या कोई जाति विशेष, कोई वर्ग विशेष, शांति आप सब भी चाहते हैं। जो यहां नहीं बैठे उनसे भी पूछो, वो भी शांति तो चाहते हैं। कोई सत्संग में आता है वो भी शांति चाहता है, जो नहीं आता
अशांति वो भी नहीं चाहता होगा, शांति वो भी चाहता होगा। क्यों? क्योंकि शांति हमारा स्वभाव आरोपित है। अशांति और अशांति का कारण ये जो वृत्तियां हैं, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भाव, ये तो आरोपित है। स्वभाव शांति है, शीतलता है। और इसीलिए आप देखेंगे ठंडा पानी कितना भी हो, कितना भी, उसमें आप डुबकी लग स्नान कर लोगे, लेकिन गर्म ठंडे का तो हम कई बार देखते हैं। अमरनाथ जी जब गए तो वहां का जल कैसा होता है जानते हैं जो सब साथ है, लेकिन डुबकी लगाते हैं। और गंगा जी में हम एक दिन गए, पीछे किसी विशेष दिन में बहुत सर्दी थी, हमने देखा कोई सोमवती अमावस अति बहुत सर्दी में, तो माताओं का एक ग्रुप वो उतनी सर्दी में कि जबकि गंगा जी को हाथ लगाते हुए हाथ ऐसे हो रहे थे, इतनी सर्दी में राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, डुबकियां लगाई जा रही हैं। और हमने तो दूर से प्रणाम किया कि धन्य भारत की आस्था, ठंडे पानी में डुबकियां लग रही हैं, राम 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 करते करते। और हम तो अभी 3 दिन पूर्व अमावस में थे, हम तो राम राम की जगह हमने डुबकी लगाई, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, 1 मिनट एक साथ गीत, क्योंकि आजकल चल रहा है आह्वान। तो हमने गंगा मैया को कहा कि गीता हमारे प्रभु के मुखारविंद से निकली है, लेकिन तू भी तो हमारे प्रभु के ही चरणों से निकली हुई धारा है, संबंध तो कहीं सीधा है ही है। और इसलिए हमारे इस अभियान में हे गंगे मात, आपकी कृपा भी साथ मिले। बात कर रहे थे कि शीतल जल कितना हो, अमरनाथ जी में अपार शीतल जाते हैं, कितनी ठंड। हम जब कैलाश मानसरोवर गए और पहुंचे जब, तो स्नान तो मानसरोवर में बनता था, करना था, सब बहुत लोग साथ। जब स्पर्श किया एक छींटा के लिए, तो जल ऐसा कि स्पर्श करते ही लगा कि ये तो हाथ जाम की स्थिति। हमें लगा कि अगर तो सबको ये सब ने हाथ डालना शुरू कर दिया, फिर तो कोई जल्दी से स्नान करेगा नहीं, फिर तो कहेंगे महाराज जी बस आप ही छींटा दे दो। कई बार होता है कि आप ही थोड़ा लेके बस सब से छींटा आप, और कई लोग तो बड़े बड़े भाव तैयार किए होते हैं, बस महाराज जी आपका स्नान हो गया, हम सबका हो गया, ऐसी युक्तियां निकाल लेते हैं। यानी कई बार ऐसा भी हुआ कि गंगा जाना था सर्दी, तो महाराज जी कल स्नान करोगे एक डुबकी, हमने कहा ठीक है, तुम्हारे सब के नाम की डुबकियां वहां लगाने लगे 14 जनवरी मकर संक्रांति पर, तो हमने कहा हम तो बस सर्वे भवन्तु सुखिना ये डुबकी लगा लेंगे। तो लगा कि बहुत लोग साथ थे, तो कई अपनी अपनी युक्तियां ना निकालने लग जाएं कि आपका स्नान हो गया, सबका हो गया, या आप केवल छींटा ही दे दो, और यहाँ मानसरोवर के पास में आकर भी वंचित रह जाएंगे, ऐसे ही लौट जाएंगे। तो हमने युक्ति कई बार सबके हित के लिए देखनी पड़ती है। हमने कहा देखो यहाँ पहले हाथ डालने का नियम नहीं है, यहाँ का जो लाभ है वो सीधी डुबकी लगाने का लाभ है, सीधी डुबकी। हाँ बाद में यहाँ किनारे बैठकर हम हवन तो करेंगे ही, यज्ञ होगा ही, लेकिन यहाँ पहले हाथ डालने का नहीं, यहाँ तो सीधा जाके डुबकी लगाने का लाभ। तो सब तैयार हो गया, हमें लगा जरा सा हाथ लगा तो ठंडे रुकेंगे, तो सब ने डुबकी लगाई, बहुत ठंडे। तो हमें तब लगा कि ठंडा पानी कितना भी होगा, शीतल कितना भी होगा, डुबकी लगाई जा सक लग जाती है, लेकिन गर्म थोड़ा भी टेम्परेचर अधिक होगा, गर्म अधिक होगा, तो उसमें
जरा सा गर्म अधिक लग जाए शरीर को कठिनाई होगी ना, क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव उष्णता नहीं, ये पाप ताप संताप ये हमारा स्वभाव नहीं, हमारा स्वरूपतः स्वभाव जो है वो शांति है, शीतलता है, शांति सबकी मांग है। और इसीलिए गीता भी सबके लिए है। युद्ध के क्षेत्र में अशांत वातावरण में क्यों ये शांति का संदेश? क्योंकि आगे भगवान जानते थे न जाने कितनी तरह की समस्याएं, अशांति बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेंगी, दुविधाएं बढ़ेंगी, आशंकाएं बढ़ेंगी, युद्ध की विभीषिकाएं बढ़ेंगी। और आज हम सब देख रहे हैं ना विश्व का वैसा रूप। और इसीलिए फिर से ये एक उपयुक्त समय है जब गीता है ये है समाधान आज के परिवेश में। इसीलिए युद्ध के वातावरण में गीता और लीला पुरुषोत्तम की लीला रथ को लेकर के गए कहां? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोण के समक्ष सर्वेशाम च महीक्षिताम, और संकेत किया वाच पार्थ पश्चितान संवेतान कुरुनीति। पार्थ सामने खड़े हुए कौरवों को देख, और सामने कौन थे? पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे। युद्ध करवाना होता रथ को कहीं भी खड़ा कर देते, लेकिन अभी युद्ध नहीं, अभी तो युद्ध से पहले गीता का ज्ञान, शांति का संदेश। स्वाभाविक अर्जुन को, बस संक्षेप में बात, स्वाभाविक अर्जुन को देखते ही पुरानी स्मृतियां सामने आ गई, और पुरानी स्मृतियों में से ऋणों का स्मरण हो आया, और उन ऋणों के स्मरण ने अंदर के मोह को जागृत कर दिया, आसक्ति को जागृत कर दिया, पितामह आचार्य द्रोण, और धीरे धीरे सभी स्वजन परिजन जो अर्जुन ने सामने देखे, तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनाथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखी तथा श्वेशुरान सुदश्चैव सेन्योरुभ्योरपि। अर्जुन ने कहा था ना कि दोनों सेनाओं में रथ को ले जाओ, ले गए भगवान, लेकिन दृष्टि वहां जाते ही हट गई श्री कृष्ण से और चली गई तत्र, अत्र से तत्र चली गई। पास बैठे हैं कृष्ण, सारथी बनकर बैठे हैं कृष्ण, यही जीवन की एक समस्या विडंबना होती। सबसे निकटतम है परमात्मा, सबसे प्रियतम है परमात्मा। कोई पूछे परमात्मा क्या है, वो नियरेस्ट भी हैं और डियरेस्ट भी हैं। सबसे निकट, निकटतम और प्राण प्रियतम परमात्मा, लेकिन जब जीव उन्हें छोड़ करके उनकी बनाई सृष्टि पर इतना आसक्त हो जाता है कि परमात्मा पीछे छूट जाते हैं, और वो आसक्ति ही आसक्ति आगे रह जाती है, बस यही आसक्ति तनाव का कारण बनती है, अशांति का कारण बनती है, और धीरे धीरे डिप्रेशन का कारण बनती है। और ये सब अर्जुन के साथ घटित हुआ वहां, ये आसक्ति है। और भगवद गीता जब पूरा गीता उपदेश होने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, नष्टो मोह कच्चिदेत श्रुतम पार्थ तो ये काग्रण चेत सा कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, सुना गीता उपदेश? हाँ कृष्ण सुना। एकाग्रता से सुना क्या? जी प्रभु, बड़े ध्यान से सुना। और सीधा प्रश्न, कच्चिद अज्ञान सम्मोहा अज्ञानता जनित मोह क्या नष्ट हुआ तेरा? मैं यहां ये जो पॉइंट है गीता का, ये जो भाव है गीता का, यहां अगर बहुत से लोगों को लगता है
कि गीता मोह निवृत्ति का शास्त्र है और शायद विरक्ति का। और कई लोग कह देते हैं कि महाराज जी हम तो अभी परिवार में हैं, व्यापार में हैं, व्यवहार में हैं, संसार में हैं, और अगर ये मोह ही छूट गया तो ये संबंध कैसे निभेंगे। यहां आकर लोगों को लगता है कि गीता यदि मोह ही मोह निवृत्त करवा देगी, भाई ऐसा नहीं। गीता मोह निवृत्त करवाएगी लेकिन सात्विक विशुद्ध प्रेम बढ़ाएगी। गीता राग को अनुराग में बदलने का शास्त्र है, मोह को वास्तविक प्रेम में बदलने का शास्त्र है। और अंतर क्या है, मोह केवल सुख लेना जानता है और प्रेम सुख लेने ही नहीं सुख देना जानता है। तत्सुखे सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र ने प्रेम की व्याख्या, तत्सुखे सुखित्वम, प्रेम सुख देना जानता। मोह केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति चाहता है और इसीलिए आप देखेंगे संसार में बिल्कुल एक स्पष्ट सी तस्वीर संसार की आप देखें, पिता पुत्र के संबंध इस दुनिया में टूटते हुए देखे जाते हैं या नहीं देखे जाते, भाई भाई के बीच में दीवारें और दरारें पड़ी हुई दिखती हैं या नहीं दिखती, सगे भाई सहोदर एक ही मां के उदर से उत्पन्न, लेकिन हम कई बार देखकर हैरान होते हैं, अरे भाई तू सगे भाई तू रह कैसे रहे हो ऐसे। वो बड़ी शान से कही, हमें तो ना 2 साल हो गए आपस में बात किए हुए, आम दिखता है पति पत्नी के संबंधों में दीवारें, भाई भाई के, क्यों, क्योंकि मोह था प्रेम नहीं था। और मोह टूट जाता है जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं, जहां लगता है क्या हुआ, क्यों संबंध टूटा, क्यों ऐसा हो गया, बस मैंने ये चाहा था, ये बात तो हुई नहीं, मेरी बात तो सुनी नहीं, मेरी बात तो मानी नहीं। अरे भाई इतना गहरा संबंध, अंतरंग संबंध, और केवल इतने में तोड़ बैठे कि पिता ने मेरे अनुकूल नहीं रहे, मेरी बात नहीं मानी, इसलिए संबंध टूट गया, समाप्त। मोह एक कच्ची रेत की दीवार है और प्रेम एक मजबूत नींव की दिव्यता है। प्रेम वो है जहां स्वार्थ नहीं, जहां पता है, जहां ये है कि पिता से मुझे क्या अपेक्षा है ये नहीं, पिता के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है ये गीता सिखाती है, ये प्रेम सिखाता है। गीता मोह को प्रेम में, राग को अनुराग में बदलने का कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है मैं निभाऊं। गीता सब्जेक्टिव जाना सिखाती है, ऑब्जेक्टिव नहीं। दूसरे को देखकर जियोगे, अपेक्षा रखकर, कहीं ना कहीं आशा ही परमम दुख, और वही दुख वही चिंता है। इसलिए मत समझो कि गीता विरक्ति का ग्रंथ है, गीता तो परिवार में सद्भाव कैसे बने और मजबूत सद्भावनाओं की नींव कैसे बने, गीता वो है। गीता का त्याग भी केवल बाहरी त्याग नहीं, छोटी छोटी संपत्ति, थोड़े थोड़े धन पर भाई और भाई के बीच में ऐसी स्थितियां, लेकिन गीता होगी तो पता होगा कि नहीं, त्यागात शांति रनंतरम, त्याग में शांति है, आसक्ति में नहीं। अर्जुन का मोह, बहिर्मुखता का मोह अर्जुन की निराशा का कारण बना, अर्जुन की अशांति का कारण बना, अर्जुन के दुख का कारण बना, और धीरे धीरे अर्जुन कई तरह के प्रलाप करता। पहला अध्याय अर्जुन के अनर्गल प्रलाप से भरा हुआ है, जो कल बात कही गई थी कि बहुत से लोग जो ये मान लेते हैं
कि पहले अध्याय की क्या आवश्यकता थी गीता में, उपदेश तो दूसरे अध्याय से प्रारंभ हुआ था, वहीं से महर्षि व्यास मान लेते कि गीता का उपदेश और गीता जी को उतना ही रखते। कल भी संकेत किया था कि रोग का कारण स्पष्ट नहीं होगा तो निवारण कैसे होगा भाई। प्रथम अध्याय अर्जुन के रोग के कारण का कारण को स्पष्ट करता और उसके बाद उपदेश में निवारण की स्थिति आती है। और इसीलिए पहले अध्याय में अर्जुन का मोह, मोह के बाद शोक, शोक के बाद दुख, विषाद, तनाव, आज की भाषा में कहें टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन, तनाव, दबाव और अवसाद, अर्जुन का उसमें अनर्गल सा प्रलाप पहले अध्याय में। यद्यपि उस अनर्गल प्रलाप में भी, क्योंकि अब हमें 5 दिन में कृतात्विक भाव लेने हैं, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे जो ये वर्ण संकर की बात आई या कुलनाश की बात, उसको भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता। समाज में यदि सही तस्वीर आज आप देखेंगे, जो जो अर्जुन ने बातें कही आज समाज में दिखती है कि युद्ध होगा, ये सारे मरेंगे, कहीं ना कहीं वर्ण आज आप देखें हमास और कौन दूसरा देश, हाँ इज़राइल, हमास और इज़राइल में जो युद्ध चल रहा है, जो जो विभत्स स्थितियां सामने आ रही हैं कि युद्ध के बाद अराजकता क्या होती है और जिस व्यभिचार की, जिस अनाचार की बात प्रथम अध्याय में अर्जुन के मुख से निकली, वो आप देखेंगे किस किस तरह की स्थितियां गीता में अर्जुन के उस अनर्गल प्रलाप में भी कहीं ना कहीं समाज की एक भयावासी तस्वीर वो कहीं सामने आती है। और भगवद गीता उस भयावह तस्वीर को फिर से एक सुंदर स्वरूप प्रदान करती है कि सृष्टि का स्वरूप ये नहीं, जीने का ढंग ये नहीं, जीने का ढंग तो ये है। गीता वो तस्वीर प्रस्तुत करना चाहती है जीवन की। प्रथम अध्याय में अंतिम श्लोक में अर्जुन की स्थिति संजय जो बताते हैं, शोक संविघ्न मानसा, शोक में डूबा हुआ अर्जुन, विसृज जैसे शरम चापम, धनुष बाण को फेंकता हुआ अर्जुन, और रथोपस्तुपाविशत, रथ के पिछले भाग में बैठा हुआ। आप एक मिनट कल्पना करें जरा, केवल सुने नहीं, एक तस्वीर आंखों के सामने रखें, क्योंकि ये वही थरा है जहां गोविंद प्रभु ने 18 दिन तक अर्जुन के रथ के सारथी बनकर, अर्जुन के आसन से भी नीचे आसन पर बैठकर विश्व को दिखाया था कि मैं अवतार लेकर जब आता हूं, मैं केवल राज सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आता, मैं केवल ऊंचे आसन पर बैठकर अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आता। और इसीलिए यदि राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा भी भगवान कृष्ण की जाती है, उसी यज्ञ में भगवान कहते हैं आवश्यकता पड़ने पर संत जन और विप्रजनों की जूठी पतले उठाने में भी मैं हिचकिचाहट नहीं करता, मैं संकोच नहीं करता, क्योंकि मेरा अवतार केवल राज महलों के लिए नहीं और ऊंचे आसन पर बैठकर पूजा करवाने के लिए जरूरत पड़ेगी। यदि जीवन मूल्यों का सम्मान करने वाला सुदामा, सत्य निष्ठा पर दृढ़ सुदामा, वो विप्र यदि फटे कपड़ों में भी आएगा, निर्धन हाल भी आएगा, तो राज सिंहासन छोड़कर भी
मैं उस सुदामा को लेने बाहर पहुंचूंगा, मित्रता का धर्म, और सुदामा को लाकर ऊंचे आसन पर बिठाकर सब रानियों सब दरबारियों के सामने भी मुझे सुदामा के चरणों में बैठने पर भी कोई संकोच नहीं होगा, मुझे गौरव का अनुभव होगा। ये कृष्ण तत्व है, ये कृष्ण चरित्र है। और हुआ ऐसा, कुरुक्षेत्र की धरा भी साक्षी है। ऊंचे आसन पर अर्जुन बैठा था, सारथी के रूप में नीचे आसन पर भगवान कृष्ण थे, लगाम हाथ में थी, कोई संकोच नहीं था कि घोड़े हांक रहे हैं, सब क्या कहेंगे, ये भगवान ये ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म की दिव्यता यही थी कि ब्रह्म की दिव्यता यही थी कि आवश्यकता पड़ने पर नीचे के धरातल तक भी, यह धरा उसकी साक्षी है। जहां अनन्य निष्ठा है, प्रेम है, भाव है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन के लिए ये किया, सुदामा के लिए ये किया, लेकिन जब हम बुलाते हैं तो अनन्य निष्ठा कितनी है। भगवद गीता में आप पाएंगे भगवान ने बार बार अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश, ऐसे अनन्य शब्द गीता की बड़ी मौलिक दिव्यता है। और ये जो तीन श्लोक लिए गए और लगभग मध्य, पूरा मध्य का नहीं, लगभग मध्य का श्लोक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए ले लिया गया, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभ्युक्ताना योग क्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव, अनन्य निष्ठा। और ये अर्जुन की अनन्य निष्ठा थी कि कृष्ण सेनाएं दुर्योधन चाहता है दे दो उसे, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं दुर्योधन को भले ही दे दो कृष्ण, लेकिन मुझे तो आप चाहिए, केवल आप, मेरा विश्वास है कृष्ण आप साथ हो, सेनाएं हो या ना हो तुम साथ हो, जो मेरे किस चीज की कमी है। ऐसे ऐसे गीत प्राय आप गाते हैं, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम साथ हो जो मेरे, तुम साथ हो जो। और ये अर्जुन की अनन्य निष्ठा थी कि कृष्ण आप साथ हो बस। और यही अनन्य निष्ठा, ये प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा की स्थिति बनाती है। ढेरों उदाहरण है हमारी सनातन संस्कृति में, ढेरों उदाहरण भरा पड़ा है भक्त मार्ग। लेकिन इसी धरा ने देखा एक और वह दृश्य जहां अर्जुन भगवान कृष्ण से भी ऊंचे आसन पर है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी इस तरह ने देखा, एव मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थोपाविशत विसृज्य से शरम चापम शोक संविघ्न मानसः, रथ के भगवान कृष्ण से भी ऊंचे आसन पर बैठा हुआ अर्जुन रथोपस्थ रथ के पिछले भाग में जा बैठा। और गांडीव का इतना सम्मान करने वाला अर्जुन विसृज्य सेचरम चापम गांडीव को फेंक देता है, और हर समय प्रसन्न चित्त रहने वाला अर्जुन किसी भी स्थिति में कभी भी कहीं भी विचलित ना होने वाला अर्जुन शोक संविघ्न मानसः की स्थिति में आ जाता है,
पूरी तरह शोक में डूबा हुआ अर्जुन। ये स्थिति किसने बनाई, क्यों बनी? केवल एक ही कारण, मोह, आसक्ति। आसक्ति बहिर्मुखता की ओर ले जाती। गीता आसक्ति को भक्ति में बदलने का ग्रंथ है, राग को अनुराग में, मोह को प्यार। दो पंक्तियां गुनगुनाकर गीता जी की, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ। मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। जग छोड़ो ना हरि को बिसारो, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो। देवी संपदा जीवन में धारो, देवी संपदा जीवन में धारो। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही, गीता कहती यही बात बिल्कुल सही, आजमाओ। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही, आजमाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना उकताओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना उकताओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। मैं मेरे में बीती उमरिया, मैं मेरी में बीती उमरिया, बदलो अब तो जीने का नजरिया, बदलो अब तो जीने का नजरिया। बात गीता की सुन, तू ही तू की अब धुन गुनगुनाओ। बात गीता की सुन, तू ही तू की अब धुन गुनगुनाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। गीता
पीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो ना घबराओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, हाँ मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। राग द्वेष मोह लोभ त्यागो, राग द्वेष लोभ मोह त्यागो, राग द्वेष लोभ मोह त्यागो, राग द्वेष लोभ मोह त्यागो। कहे किंकर प्रभु शरण लागो, कहे किंकर प्रभु शरण लागो। लेके गीता का ज्ञान करके प्रभु का ध्यान आनंद पाओ, लेके गीता का ज्ञान करके प्रभु का ध्यान आनंद पाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग सम्मिल आओ, गीता के संग सीखो जीने का ढंग सम्मिल आओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। अर्जुन की ऐसी दशा, जहां हर समय प्रसन्न रहने वाला अर्जुन पूरी तरह शोक में डूब चुका था। गांडीव का इतना सम्मान करने वाला अर्जुन गांडीव फेंक चुका था, रथ के पिछले भाग में जा बैठा था। और दूसरे अध्याय का तो प्रारंभ ही संजय उवाच से जब होता है, एक और कुरुक्षेत्र है जहां भगवान कृष्ण सीधी बात अर्जुन से कर रहे हैं, सीधा संदेश। और अब देखें क्या गौरव है इस धरा का, अन्य सब शास्त्र रचे गए हैं लेकिन यहां भगवद गीता रची नहीं गई, ये गाई गई है और किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं साक्षात भगवान के द्वारा। एक स्पष्ट कर देना आवश्यक है, बहुत जगह देखा जाता है, अधिकतर देखा जाता है कि कई बार श्रीमद् भागवत गीता ये शब्द प्रयोग कर दिया किया जाता है अधिकतर। थोड़ा अंतर है, आप सब समझ पाए और सीधा प्रसारण का लाभ ले रहे सब लोग भी। श्रीमद् भागवत पुराण है और श्रीमद् भगवत गीता है, वहां भा नहीं है, आ की मात्रा नहीं है साथ, ये सभी को ध्यान रखना है। यद्यपि तत्व में दोनों एक हैं, जो बात गीता जी में सार में है वो बात श्रीमद् भागवत में विस्तार में है। एक बार जब पूज्य पाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे तो उनकी सन्निधि में बैठे थे वृंदावन अखंडानंद आश्रम, कोई बात चली कि भगवद गीता पर सबसे आसान सी व्याख्या क्या है, तो उस समय भागवत की चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भागवत भगवद गीता की बड़ी आसान सी व्याख्या है, गीता के तत्व भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के रूप में प्रकट। तो भागवत वो है जहां भगवान की बात है, भगवान का बनने की प्रेरणा की बात है, और भगवत गीता वो है जहां भगवान के द्वारा गाई गई, भगवान के द्वारा कही गई चर्चा है, बात है, वो भगवत गीता है। स्पष्ट सांतर है भगवत गीता विश्व का एक ही ग्रंथ जो रचा नहीं गया, भगवान के द्वारा गाया गया है।
और आप कहेंगे फिर महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से 42 तक के अध्यायों में गीता लिखी है, वो महर्षि व्यास की थी। और वैसे भी 24 अवतारों में व्यास भगवान कृष्ण के अवतार की दिव्यता और व्यास लेखनी अवतार के रूप में भी थे। भगवान कृष्ण ने जो गाया जो कहा व्यास ने लेखनी बद्ध करके, और इसीलिए हम कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास की कृपा भी कम नहीं है गीता के साथ। संजय ने तो स्वीकार भी किया अंत में, व्यास प्रसादात श्रुत्वान एतद् गुह्यम अहम् परम। संजय ने स्वीकारा कि मैंने महर्षि व्यास की कृपा से यह गुह्य ज्ञान सुना है। क्यों? कि संजय ना वे व्यास ना होते तो शायद भगवद गीता कुरुक्षेत्र में घटित महाभारत युद्ध की एक घटना मात्र रह जाती। यहां तक तो होता कि गीता का उपदेश हुआ था द्वापर युग के अंत में, भगवान कृष्ण ने दिया था, लेकिन क्या उपदेश दिया था वो तो महर्षि व्यास थे, उन्होंने लेखनी में उतार कर महाभारत के भीष्म पर्व में स्थान दे दिया। तो गीता व्यास की कृपा से युग युगांत की प्रेरणा बन गई, ये सत्य है। तो एक पक्ष ये भी विचार का है और एक पक्ष ये भी है, कुरुक्षेत्र जहां भगवान कृष्ण सीधा सीधा सीधी बात कर रहे थे और संवाद कर रहे थे, ये भी दिव्यता है भारत की, केवल भारतीय आर्ष परंपरा की, भारतीय मनीषा की, भारतीय ग्रंथ परंपरा की। यहाँ सारे ग्रंथ आप देखेंगे, जानकारियां होनी चाहिए ताकि हमें हम सबको लगे कि जहाँ कोई जरा सा सनातन से कोई अलग बात करने लगे, अलग विचारधाराओं में क्या रखा है, क्या इधर रखा है, ये विचारधारा हमारी इधर आके देखो, और कहीं तो ऐसे हो गए कि जिनके कृष्ण अलग, विष्णु अलग, लक्ष्मी नारायण अलग, गीता भी अलग। बताओ, हमने किससे पूछा भी, या हमें भी वो प्रयास करने लगे कि हम भी उनकी बात मानकर हम भी उनकी ओर चल, हाँ कहने लगे। हमने कहा ये बताओ कि भगवान लक्ष्मी नारायण पहले आए थे या आप लोग पहले आए इस दुनिया में? सच्चाई में पूछा हमने कि पहले भगवान कृष्ण आए, भगवान लक्ष्मी नारायण या आप लोग पहले आए? उत्तर कोई तर्क तो कोई होता नहीं, लेकिन बस ठीक है। तो अलग अलग, लेकिन सनातन की दिव्यता सनातन की है। एक बात आप निश्चित समझें कि सनातन सनातन था, सनातन सनातन है और सनातन सनातन ही रहेगा। विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। सनातन के पुरोधा अर्जुन कहते हैं तम अव्यह शाश्वत धर्म गोपता पुरुषस्तम सनातनो मतों में। स्तुति करते हुए कहते हैं अर्जुन, हे कृष्ण, मैंने तो आपको देखकर यह अनुभव किया है कि सनातन धर्म के संरक्षक भी आप ही हो और सनातन परम पुरुष भी आप ही हो कृष्ण। 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन ने बड़ी दिव्य बात कही। तो सनातन और ये स्थितियां सनातन की, ये हम सबके सामने होनी चाहिए। एक और यहां भगवान कृष्ण अर्जुन से संवाद और जो बात कही जा रही थी, हमारे यहां और जगह आप देखोगे जो कह दिया गया वो आपको मानना है, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू, बस मानना है, कोई प्रश्न नहीं आप कर सकते। लेकिन सनातन ये है जहां संवाद है, जहां भगवान भी यदि बात कर रहे हैं समझाने की तो शिष्य के रूप में अर्जुन अपनी बात कह लेता है, कह सकता है, जिज्ञासा कर सकता है। और इसीलिए गीता जी में पाएंगे अर्जुन ने बार बार प्रश्न किए और भगवान किसी भी प्रश्न में झेपे नहीं अर्जुन के। यहीं से आप अनुमान लगाओ कि क्या दिव्यता है सनातन की कि अर्जुन पहले अध्याय में लगातार बोलता रहा और कुछ बातें तो ऐसी जो भगवान के सामने नहीं बोलनी चाहिए,
फिर भी बोली, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद भी ये है सनातन का ब्रह्म कि जिसे यदि मुस्कुराने की कला विश्व को सिखानी है तो तमवाच ऋषिकेशः प्रसन्न भारत सैन्योर्भ्योर मध्य विषिदंतम इदं वचः। अर्जुन ने इतना कुछ कहा, इतना कुछ बोला कि भगवान जरा भी आवेश में नहीं आए। कि परिवारों में होता है ना कि जरा सा कोई एक बात कह दे, इतना उतावला पर तेरी हिम्मत कैसे, तू कैसे बोल, एकदम कलह क्लेश, जरा सी बात मेरे अनुकूल नहीं हुई, वही झगड़ा, वही तनाव दुर्भाव, जरा सी बात एक ने कह दी बस तना तनी। लेकिन सीखें आप गीता से, बड़ी बारीक से बारीक प्रेरणाएं गीता से सीखी जा सके, पारिवारिक सद्भावना। और इसीलिए हम कहते हैं कि भगवद गीता वर्तमान में बच्चों का सुसंस्कार है, गीता युवाओं में सात्विक सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा का संचार है, गीता परिवारों का सद्भाव और प्यार है, गीता रोगियों के रोग का एक सही तर्क संगत उपचार है, गीता और सच मानो तो समूची मानवता का श्रृंगार है, गीता श्रृंगार है, समूची मानवता का श्रृंगार है। पारिवारिक सद्भावना आप सीखें प्यारे कृष्ण से, धैर्य संयम सहनशीलता। अर्जुन बोले जा रहा है, कृष्ण धैर्य से सुने जा रहे हैं, और जब बारी आती है बोलने की तो फिर संजय वाच बीच में होता है। और जो बात हम कह रहे थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यहां संदेश दे रहे हैं, लेकिन दूसरा घाट हस्तिनापुर में है, जहां यहां घटित होने वाली घटनाएं संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्योंकि प्रथम श्लोक में जो कल प्रारंभ किया था धृतराष्ट्र का, संजय से ही प्रश्न है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामक पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इसीलिए संजय से प्रश्न किया तो संजय वहां बैठे बैठे आजकल के अनुसार लगभग 150 से 200 किलोमीटर के लगभग की दूरी है बीच में हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र, भौगोलिक दूरी, और वहां बैठे बैठे संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं यथावत। दिव्य दृष्टि का कमाल। आज तो हम फिर भी ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, जो बाहर बैठे देश विदेश में देख रहे हैं, वो कहीं टीवी स्क्रीन होगी, कहीं कोई सिस्टम होंगे, सब कुछ। हमारे से एक बार बहुत वर्ष पहले अंबाला में सत्संग चल रहा था, लाइव था, किसी ने पूछा, जिज्ञासा की, कोई लिखित आई हमारे पास श्रोताओं में से ही, कि भगवान कृष्ण ने जब ये कहा कि जैसा अर्जुन तूने देखा है ऐसा मुझे किसी और ने नहीं देखा, ग्यारहवें अध्याय में विराट रूप दिखाने के बाद कहा, तो प्रश्न किसी का उचित था कि वे संजय ने भी तो देखा वहां, तो क्योंकि लाइव चल रहा था, हमने कहा कि संजय ने निश्चित देखा, उसी समय देखा, लेकिन अंतर इतना ही है कि जैसे आप यहां व्यासपीठ को बिल्कुल आमने सामने बैठकर देख रहे हो और सुन रहे हो, लेकिन दूसरी ओर बहुत लोग देश विदेश में ऐसे हैं जो सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट देख वो भी रहे हैं, सुन वो भी रहे हैं, लेकिन वहां लाइव टेलीकास्ट में अलग, लेकिन जो प्रत्यक्ष की एक आभा एक भाव होता है वो प्रत्यक्ष टीवी में देख अंतर होता ही है।
थी वहां वही अंतर था कि एक और अर्जुन सामने है और संजय दिव्य दृष्टि के बल पर धृतराष्ट्र को सब कुछ सुना भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। दूसरे अध्याय का प्रारंभ जब किया जाता है तो संजय उवाच से होता है, तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम। संजय ने तो यहां तक कह दिया कि राजन इस समय अर्जुन घबराया हुआ सा है, उसकी आंखों में आंसू भरे पड़े हैं, अश्रुपूर्णाकुले क्षणम। ये स्थिति अर्जुन की हो गई। किसने की? बस वही संकीर्ण आसक्ति मोह। और जब पूरी स्थिति सामने आई, भगवान ने देखा अब अर्जुन बिल्कुल चुप सा हो गया है। न योत्से इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः, चुप हो गया है। तब भगवान ने बोलना प्रारंभ किया और उस बोलने के बीच में कहां उपदेश हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस अवस्था में हुआ और किसके लिए हुआ और किस स्थिति के लिए हुआ, एक ही श्लोक गीता जी का अद्भुत श्लोक संजय वाच का दूसरे अध्याय का दसवां श्लोक। अपने आप में कई प्रश्नों का उत्तर ये एक श्लोक लिए हुए है। किसके द्वारा गीता उपदेश हुआ? भगवान कृष्ण के द्वारा। कहां हुआ? सेन्योरुभ्योर मध्य। उस समय अवस्था क्या थी? प्रसन्न भारत तमोआच ऋषिकेशा, प्रसन्न भारत मुस्कुरा रहे थे कृष्ण। और उसका उत्तर क्या है? कई उत्तर हैं, मुस्कुराते हुए कृष्ण। एक उत्तर यह भी हो सकता है कि अर्जुन की ये स्थिति देखकर भगवान मुस्कुरा रहे थे कि अरे पगले, तो अच्छा भला योद्धा, इतना वीर, इतना बलवान, सब कुछ स्थितियां तेरे पास और तू ऐसे आंसू बहा रहा है, बिल्कुल एक इतना दुर्बल। भगवान हंस दिए, प्रसन्न मुस्कुरा, व्यंग्यात्मक ऐसे। लेकिन दूसरा कारण एक ये भी था, अर्जुन के इतने बड़पोलेपन के बाद अधीरता, उतावलापन, आवेश, विषाद के बाद भी भगवान अधीर नहीं हुए और भगवान कृष्ण बड़े धैर्य से सुनते रहे और मुस्कुराकर अर्जुन से ये शब्द बोले। जब गीता जी के लिए, डॉक्टर्स के लिए लिखा जा रहा था कुछ, तो पहला श्लोक यही लिया गया कि डॉक्टर का मुस्कुराता व्यवहार रोगी का उचित उपचार। ये शीर्षक था इसका कि मान लो रोगी है कोई और थोड़ा सा बोलने लगे, अपनी बात करने लगे और डॉक्टर गुस्से में कह दे चुप होके बैठ, तो ये बोलने की जरूरत, क्या उपचार होगा भाई, वो तो पहले ही घबरा जाएगा रोगी। तो इसीलिए जो गीता ने डॉक्टर्स के लिए गीता में क्या है उसके लिए पहला श्लोक ये निकाला कि डॉक्टर रोगी के प्रति अपना व्यवहार, अपना स्वभाव अच्छा बनाए, ये गीता है। अर्जुन मनोरोगी है, विषाद में है, डॉक्टर को चाहिए कि मुस्कुराकर, और डॉक्टर जब थोड़ा धैर्य से मुस्कुरा के बात कर लेगा रोगी, नहीं कुछ भी नहीं। अगर मान लो रोगी को आते ही कहे या साथ में अटेंडेंट को कह दे तो बड़े टाइम पे आ गए, कुछ और दो घंटे ना आते पता नहीं इसको क्या हो जाता और क्या रोगी की क्या स्थिति होगी, समझ सकते हो ना आप उस समय डॉक्टर की क्या भूमिका होनी चाहिए। भगवान कृष्ण एक कुशल चिकित्सक के रूप में यहां प्रस्तुत होते हैं। तम वाच ऋषिकेशा प्रसन्न, मुस्कुरा के बात करते हैं। और एक कारण, वैसे गीता प्रेरणा आप देखेंगे जब व्याख्या जो है उसमें ढेरों इसके कारण लिखे हुए हैं कि प्रसन्न भगवान कृष्ण मुस्कुराए क्यों है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि मुस्कुरा के जीवन जीने का उपदेश देना था, जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात कही गई
कि उन्होंने कहा कि मैं जीवन मृत्यु से पहले को कि हर पल को मुस्कुरा के जीना चाहता हूँ, ये मैंने गीता से सीखा है, क्योंकि विपरीतताओं में भी मुस्कुराते रहने की कला का नाम है गीता। संघर्षों में भी घबराएं नहीं, मुस्कुरा कर उनका सामना कर पाएं, ये गीता है। और इसीलिए मुस्कुराने का उपदेश देने से पहले भगवान ने स्वयं दिखाया कि दुनिया वालों देखो अर्जुन की ऐसी स्थिति और इस वातावरण में भी मैं मुस्कुरा के अपनी बात कर रहा हूं। उपदेश वही प्रभावी होता है जो पहले अपने जीवन से प्रकट, व्यवहार से प्रकट। गीता इसीलिए विश्व वंदनीय ग्रंथ है। ये केवल भगवान की वाणी नहीं, वैसे तो गीता में हृदयम पार्थ, अर्जुन मैंने अपना हृदय खोल कर रखा है गीता के रूप में, लेकिन उससे भी आगे गीता वर्त एव च कर्मणि, गीता भगवान गोविंद का व्यवहार है। स्वयं मुस्कुराकर मुस्कुराते रहने की कला सिखा रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में। हम इसी श्लोक से आगे बढ़ेंगे। आगे संक्षेप में फिर की प्रार्थना और आज के सत्संग का सार हम पांच एक मिनट पश्चात भी आपको समक्ष आज के सत्संग का क्या सार है और कल का क्या भाव रहने वाला है उससे पूर्व, क्योंकि विशेष रूप से पूज्यपाद आनंद पीठाधीश्वर आनंद अखाड़ा है, हमारी अखाड़ा परंपरा में उसके पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्टैंड वाला माइक आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज, उनका वर्षों का स्नेह साथ रहता है और उसी स्नेह से वो विशेष रूप से आज यहाँ आए हैं। और पूज्यपाद स्वामी शास्तानंद गिरिजी महाराज और आचार्य महामंडलेश्वर जी एक ही परंपरा के हैं, जहाँ हमने पूज्य महामंडलेश्वर शास्तानंद जी से बात की फ़ोन पर, तो हमने कहा कि आपके ही परंपरा के हमारे युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज और उनके भी गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी खंडानंद गिरी जी महाराज, वहीं की ये परंपरा और आज उसी परंपरा से पूज्य बालकानंद गिरी जी महाराज, उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। और फिर सार में आज के सत्संग का दो चार पाँच मिनट में सार बताकर आरती की ओर बढ़ेंगे हम आज के सत्र में। आज सभी इसी धैर्य और अनुशासन में जो अब तक आपका रहा बैठ। ओम ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदिश्च दुःख भाग भवेत्। व्यासपीठ पर उपस्थित गीता मनीषी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनके मुखारविंद से आप भगवान की वाणी जो गीता के रूप में आप सपने सुनी हैं और उसका आनंद आपके अंतःकरण में अमृतमयी रूप में विराजमान हुआ है, ऐसे महापुरुष को मैं वंदन करता हूं। और हमारे बड़े गुरु भाई पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर और गीता के प्रकंड विद्वान स्वामी स्वास्वतानंद जी महाराज, कुरुक्षेत्र की भूमि को प्रणाम करते हुए, क्योंकि यहाँ पर
स्वयं भगवान ने आकर के ब्रह्म ज्ञान अर्जुन को सुनाया है। यहां के सभी भक्तजन और यहां के सभी वासियों को जिनके हृदय में नारायण विराजमान हैं उनको भी प्रणाम करते हुए एक बार आप सब लोग भगवान का नाम लें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गीता जयंती के उपलक्ष में सबसे पहले आप ये समझ लें कि चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण और 84 ग्रंथ, इन सब में खाली जयंती गीता जी की मनती है, किसी और की जयंती नहीं मनाई जाती। क्योंकि गीता जी जीवंत हैं, गीता का उपदेश स्वयं परमात्मा ब्रह्म श्री कृष्ण ने अपने मुख से दिया है, मुख से सुनाया है। इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, ये जीवन जीने का सार है, ये धर्म पर विजय, धर्म को कैसे विजय दिलाई जाए, अधर्म से कैसे बचा जाए, अधर्म का कैसे समापन हो, इन सब का सार गीता के अंदर है। गीता आपको आपके जीवन जीने के सूत्र बताती है। भगवान श्री कृष्ण ने 700 सूत्र गीता में आप लोगों की जीवन जीने के लिए बताए हैं। कैसे आपका व्यवहार हो, कैसे आपके जीवन में अपनों के प्रति प्रेम हो, जो अधर्मी हैं उन पर कैसे आप विजय प्राप्त करें, ये गीता का सार है। जब कभी आप अपने मन में विचलित हो जाते हैं, जब कोई घटना आपके जीवन में ऐसे घटती है जब विचलित कर देती है, उस विचलित से निकलने के लिए, उस डिप्रेशन से निकलने के लिए केवल एक गीता है जो आपको उस विचलित से निकाल करके और आपके मन को पवित्र कर देती है। गीता का हर एक श्लोक आपके जीवन को दर्शाता है। जिस समय अभी महाराज श्री ने बताया अर्जुन व्याकुल हो गया, धनुष बाण त्याग दिया, ये सब मेरे हैं, इनसे मैं नहीं लड़ सकता, उस समय धर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू अपने जीवन में जीने के लिए एक ऐसा संयोग बना कि हर वक्त हर पल केवल केवल मैं तुझे तेरी दृष्टि में रहूं, कि मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर, जीवन के हर रंग हर आनंद में तू मुझे याद कर, अपने लिए नहीं युद्ध लड़, मेरे लिए युद्ध लड़, मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर और लिए जा मेरा नाम और जंग कर, अपने लिए नहीं मेरे लिए, लिए जा मेरा नाम और जंग कर, मुझे दिल से अर्जुन भुलाना नहीं और किसी और से दिल लगाना नहीं, कल्याण हो जाएगा। जब हम श्री कृष्ण से अपने मन को लगा लेते हैं, जब हम श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे हृदय से उत्पन्न होती है प्रार्थना। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारे हृदय से उत्पन्न होती है प्रार्थना, और जब हम प्रार्थना करते हुए परमात्मा के नजदीक जाते हैं, जब हमारे हृदय से उत्पन्न होती है उपासना, और उपासना को धारण करते हुए जब परमात्मा से मिलन होता है, तब प्रारंभ होती है साधना। ये प्रार्थना, उपासना और साधना, इन तीनों का केंद्र
इन तीनों को हमारे हृदय तक पहुंचाने वाला मार्ग केवल एक है, जिसका नाम है गीता। गीता हमारे हृदय में प्रार्थना उत्पन्न करती है, गीता हमारे हृदय में उपासना उत्पन्न करती है, और गीता हमारे हृदय में साधना उत्पन्न करती है। उपासना जब हमारे अंतःकरण में आती है तो हम भगवान की वाणी को धारण कर लेते हैं, और जब साधना से हम जुड़ते हैं तो ब्रह्म सूत्र कहता है अयम ब्रह्म आस्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वस्त्र ब्रह्म है। क्या प्रमाण है कि मैं ब्रह्म हूं? क्या प्रमाण है कि आप ब्रह्म हैं? गीता प्रमाण है कि आप ब्रह्म हैं। गीता प्रमाण है कि मैं ब्रह्म हूं। गीता प्रमाण है कि सर्वस्त्र ब्रह्म है। तो सनातन धर्म का मूल ग्रंथ, सनातन धर्म के संस्कारों से जोड़ने वाला ग्रंथ, सनातन धर्म को आपके हृदय में उत्पन्न करने वाला ग्रंथ केवल केवल गीता है। गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए सूत्र हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। गीता हमें बताती है, गीता हमें सिखाती है, गीता हमें मिलाती है, और गीता हमारे हृदय से विकारों को भगाती है। जब जीवन में कोई व्यक्ति विकार युक्त हो जाता है, और विकार युक्त होने के बाद अपने किसी गुरु की शरण में जाता है, किसी महापुरुष की शरण में जाता है, तो महापुरुष उन विकारों से मुक्त करने का मार्ग केवल गीता बताते हैं कि आप गीता का अध्ययन करें, गीता का पाठ करें, गीता को धारण करें, तो आपके मन से विकार निकल जाएंगे और आपके परिवार के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति तीन वस्तुओं से जीता है, स्वास्थ्य से जीता है, घर में सुख शांति रहे, ऐश्वर्य धन रहे, इसमें जीता है, और मुझे कोई पावर मिल जाए उसमें जीता है। इन तीनों का यदि हम सार देखें तो वो गीता के सूत्र हैं। गीता पढ़ने से, गीता धारण करने से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, गीता धारण करने से, गीता का मनन करने से आपके परिवार में सुख शांति विराजमान होगी, आप विकार मुक्त हो जाएंगे, आपका घर मंदिर हो जाएगा। मंदिर का मतलब है मन, धी और रे, तीन अक्षरों से मिलकर के एक शब्द बनता है मंदिर। जब मन आपका विकार युक्त होता है तो मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, तो बुद्धि विचलित हो जाती है। इसलिए एक स्थान बनता है घर में, जिस स्थान पर जाकर के आपका मन विकार मुक्त हो जाता है और बुद्धि सही डायरेक्शन में आ जाती है, उस स्थान का नाम है मंदिर। जहां पर मन और बुद्धि विकार रहित हो जाए उस स्थान का नाम है मंदिर। तो आपके हृदय के मंदिर में जो आपको विकार मुक्त कर सकती है वो केवल है गीता। जो आपके अंतःकरण में त्याग पैदा कर सकती है वो केवल है गीता। आज आप देखिए पूरे विश्व में गीता जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि गीता जीवों का प्राण है। गीता मनुष्यों का ही नहीं, गीता जीवों का प्राण है। और ये क्षेत्र आपका ऐसा पवित्र क्षेत्र है जहां पर परमात्मा ने स्वयं आकर के ब्रह्म ज्ञान सुनाया है, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गीता मनीषी महाराज श्री के आश्रम तो कई जगह हैं, वृंदावन, हरिद्वार, अनेकों स्थानों पर हैं, परंतु उनका विशेष लगाव इस स्थान से है जो कुरुक्षेत्र में है। मैं परसों महाराज श्री का आदेश हुआ मुझे, मैं गुवाहाटी में था
कमख्या माँ के यहाँ अनुष्ठान था, तो महाराज जी ने कहा आप कभी कुरुक्षेत्र आए हैं? तो मेरे मन से ऐसा भाव था कि कुरुक्षेत्र से निकले कई बार हैं, और मेरे ख्याल से 15 साल पहले हम लोग कुरुक्षेत्र में महाराज जी के आश्रम में आया था कुछ क्षणों के लिए। तो कुरुक्षेत्र से मैं पूरी तरीके से मैंने कुरुक्षेत्र को नहीं देखा। तो महाराज जी ने कहा आज आप कुरुक्षेत्र आए और गीता का उपदेश सुने। तो आज मैं कुछ बोलने नहीं, आज मैं गीता का उपदेश सुनने के लिए महाराज श्री से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया कि गीता संतों की नहीं है, गीता आप सबकी है। महाराज श्री ने जिस प्रकार गीता का व्याख्यान बड़ी सरलता से किया है, कई पुस्तक मैंने पढ़ी हैं जिसमें बहुत सूत्रों को बड़ी शुद्धता पूर्वक और बड़े सरल ढंग से उनका व्याख्यान किया है जो एक सामान्य व्यक्ति की समझ में भी आ जाए। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आज आप बैठ करके गीता अध्ययन कर रहे हैं, गीता जयंती पर गीता का पाठ कर रहे हैं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात आप लोगों के लिए नहीं हो सकती। और ऐसे ही महापुरुष गुरु कहने के योग्य होते हैं कि उनकी शरण में जो जाता है वो राजा बन जाता है। केवल गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने शिष्य को राजा बना देता है। कैसा राजा? आध्यात्मिक राजा। कैसा राजा? भौतिक राजा। तो आप लोग जैसे संत महापुरुषों के अंदर कुछ विशेषताएं हैं, संत महापुरुष जो होते हैं उनके अंदर वैराग्य होता है, त्याग होता है, संयम होता है, साधना होती है, समर्पण होता है, इन सब का जो केंद्र है वो गुरु है। जैसे हनुमान जी का एक उदाहरण आता है कि हनुमान जी की शरण में जो भी जाता है वो राजा बन जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने गुरुण की शरण में सच्चे मन से चला जाता है तो उसे भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी हो जाता है, और जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो उसकी बुद्धि के अंदर विवेक आ जाता है, उसके मन से विकार निकल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। तो ये संसारिक वस्तुएं जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं ये स्वतः चल करके उसके पास आने लगती हैं, क्योंकि वो राग से परे हो जाता है। जो व्यक्ति राग से परे हो जाता है उसके पास अपने आप संसार की वस्तुएं चल करके आती हैं। तो ऐसे महापुरुष जिनके सानिध्य में आज आप गीता का अध्ययन कर रहे हैं, और ये गीता यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र में महाराज जी के द्वारा और यहाँ की सरकार के सहयोग से जो बनाई जा रही है, वो आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देगी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए 700 सूत्रों पर चलने वाला व्यक्ति रोगी नहीं रह सकता, भोगी नहीं रह सकता, केवल केवल योगी बन सकता है। उस योग से जोड़ने के लिए गीता की यूनिवर्सिटी का आयोजन हो रहा है, आपके मन से विकार को निकालने के लिए गीता यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। महाराज जी द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस प्रयासों में आप सब लोग अपने हृदय से जुड़े, तन मन से जुड़े। आज आवश्यकता है हम सबको एकजुट होकर के, क्योंकि गीता का एक मूल तत्व ये भी है परिस्थिति और परिवर्तन। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर भी विशेष जोर दिया है कि जैसी परिस्थिति हो वैसा अपने आप को परिवर्तित कर लो, तभी आप धर्म पर विजय प्राप्त कर पाओगे। तो आज की परिस्थिति है कि हमको, हमारे देश को परमात्मा ने एक ऐसा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिया है जो सनातनी है, जो सनातन धर्म के लिए अपने आप को सर्वस्त्र नौछावर करने को तैयार है, जिसने सनातन धर्म की परंपराओं का निर्वाह करते हुए भारत को एक उच्च श्रेणी का दर्जा
पूरे विश्व में दिलाया है। तो आज हम सब लोग होकर उनके साथ मिलकर के उनका सहयोग करें और सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाएं, उसके संस्कारों को जन जन तक पहुंचाएं, ये परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को परिवर्तन करने का आज समय है। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सुंदर संदेश श्रीमद् भगवद गीता के भाव को लेकर और सनातन निष्ठा को लेकर, राष्ट्र निष्ठा को लेकर हमारे पूज्यपाद आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी के द्वारा हमने सुने। वस्तुतः भगवद गीता वर्तमान की एक प्रबल आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि जो जो समस्याएं चारों ओर व्याप्त हो रही हैं उनका तर्क संगत युक्तियुक्त समाधान है भगवद गीता, और जीव गीता का प्रयास केवल और केवल यही है कि गीता जन जन तक एक व्यावहारिक वैचारिक प्रेरणा के रूप में पहुँचे। बस एक मिनट की बात करके और पूज्य संतों का भी उस आह्वान में सद्भावना पूर्वक आशीर्वाद चाहते हुए कि इस बार जो जीव गीता की ओर से एक वैश्विक आह्वान हुआ है गीता जयंती के दिन 11 बजे एक मिनट एक साथ गीता पाठ, जो 3 श्लोक लिए गए और भाव एक ही कि किसी भी तरह से एक प्रारंभिक भाव गीता जी का कहीं उतरे। अनेक संतों के उसमें वीडियो बाइट्स आई, आज पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी की महाराज जी की एक वीडियो आई, एक 1.5 मिनट की ही। उन्होंने कहा कि जीव गीता की ओर से जो ये कैप्सूल तैयार किया गया है पूरी गीता जी का 3 श्लोकों का, मुझे विश्वास है ये 3 श्लोकों का कैप्सूल जो है ये कई रोगों का उपचार बनेगा विश्व के। तो ऐसे अनेक महापुरुषों के इस प्रकार के संदेश और अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी का और अनेक चिंतकों का भाव साथ जुड़ा है, अनेक शिक्षण संस्थाएं साथ जुड़ी हैं और उन्होंने लिखकर संकल्प भेजे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज, हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल्स, आज मेदांता और आसपास के कई डॉक्टर, कुछ डॉक्टर्स यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी हो रही है कि एक मिनट एक साथ गीता पाठ में हर कोई जुड़े। तो आप सब से भी और जो चैनल से भी लाभ ले रहे हैं वो सब भी निश्चित करें, जिनके स्कूल हैं, जिनके कॉलेज हैं, जिनकी यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके हॉस्पिटल हैं या व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, एक एक कार्यकर्ता गीता जयंती के दिन 11 बजे एक मिनट एक साथ गीता पाठ। और पूज्य आचार्य श्री आनंद पीठाधीश्वर जी का भी और पूज्य शास्त्रानंद जी महाराज, क्योंकि स्वयं गीता के अच्छे विचारक चिंतक हैं, उनकी सद्भावना भी इस आह्वान से जुड़े। और हमारा एक सीधा सा कहना है कि आह्वान जीव गीता की ओर से है, लेकिन केवल जीव गीता का नहीं, ये आह्वान सभी संतों का और पूरे राष्ट्र पूरे विश्व का आह्वान बने, हम एक बने, हम नेक बने। आइए मिलकर आज दूसरे दिन के सत्र विश्राम पर प्रार्थना के वाक्यों के साथ श्री गीता जी की आरती की ओर बढ़ते हैं, मिलकर भाव से आरती। उससे पहले सभी सुखी हो सभी निरोगी, सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा।
मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक पुनः संकेत कि रविवार का जो सत्संग होगा समापन, वो ये जो समय चल रहा है इसकी अपेक्षा प्रातःकाल 10 से 12:30 रहेगा, यानी विशेष कारणों से उस समय परिवर्तन किया गया है। वो सभी इस बात को ध्यान रखें, रविवार प्रातःकाल ठीक 10 बजे से 12:30 तक सत्संग, और प्रातःकाल 6:30 से 7:30 ध्यान साधना अभी। और कल हंसते हुए भगवान कृष्ण ने हमें हंसाने के लिए क्या सूत्र दिए, अगले 3 दिन हम उस पर कल से प्रारंभ करेंगे गीता जी की सरल सूत्रात्मक चर्चा। आइए मिलकर आरती की ओर, पूज्य संतों के प्रति हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए उनकी सहजता के लिए कि वो आए, पूरा समय यहाँ उनकी उपस्थिति का लाभ हम सबको प्राप्त हुआ। आरती के लिए बाहर से जहाँ हैं वहीं से आरती के लिए भाव खड़े जी। बाहर से आए हुए श्रद्धालुगण, कृष्ण भक्त जो महाराज श्री से मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो इस पंडाल के पीछे बने हुए मंदिर में आरती के बाद महाराज श्री से मिल सकते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा निवेदन आरती के लिए डॉक्टर संजीव शर्मा जी, रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ऋषिपाल मथाना जी, श्री अशोक रोशा जी, श्री ख्यातिलाल सिंगला जी, श्री श्यामलाल बंसल जी पंचकुला से, परमिंदर ढींगड़ा जी, सन्नी मित्तल जी, राकेश गोयल जी, श्रवण बत्रा जी दिल्ली से, आप कृपया आरती के लिए मंच के समक्ष आ जाएं। आओ मिल सब आरती गाए भगवती की, माता की आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। गीता माता की, भगवती गीता माता की, हाँ गीता माता की, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, धोवे मन का कलमश सारा, धोवे मन का कलमश सारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा। आओ करे स्नान पाए कृपा सुख दाता की। आओ मिल सके आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सके आरती गाए भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता, जीवन का उत्थान है गीता, भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता, राग द्वेष भव भय नाशक दुख शोक तराता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी, समता त्याग